नमस्कार, आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। उसके लिए मैंने लिया है एक कटा हुआ प्याज, दो लहसुन की कलियाँ कटी हुई और एक इंच अदरक का लंबा कटा हुआ पीस, और तीन से चार मैंने लिए हैं ड्राई स्पाइसेस में तेज़पत्ता, एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच पुलाव मसाला, थोड़ी सी काली मिर्चें, चार लौंग और दो टुकड़े दालचीनी के। ऑयल मेरा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, सारे सूखे मसाले में डाल दूंगी, लौंग और काली मिर्च भी। इसे मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। जीरा मेरा फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन की कलियां, इसे भी मैं हल्का पिंच करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मटर हमारे फ्राई हो गए, अब मैं इसमें डालूंगी सवा चम्मच नमक, अब मैं डाल रही हूँ पुलाव मसाला, पुलाव मसाला मैंने डाल लिया, अब मैं डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर। मैंने राइस 2 मिनट फ्राई कर लिए, अब मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी था राइस के, और 2 गिलास मैं पानी डाल दूंगी। अब मैं इसे फुल आंच पर एक उबाले आने तक देखिए फ्रेंड्स, ये बॉईल हो गया है, अब मैं इसे कम कर दूंगी। अभी इसे 5 से 7 मिनट लगेंगे पकने के लिए, और मैं बिल्कुल भी इसे चम्मच से चलाऊंगी नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इसका पानी बिल्कुल सूख गया है और राइस भी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके, देखिए फ्रेंड्स, राइस का पानी सूख गया है और राइस बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी कोरिएंडर, और 1 मिनट इसे ढक्कन लगाकर बंद कर दूंगी। अब मैं 5 मिनट के बाद इसको ओपन करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।